हेलो गाइस, माय नेम इज़ शादाब। मैं हूँ अभी डी गोट फार्म पे दानिश भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शादाब भाई, खैरियत से हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे शादाब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक 6 महीने बाद आना हो रहा है आपके फार्म पे। यस। और पिछली बार बड़ा मज़ा आया वीडियो बना के, जो बकरों की वीडियो बनाई। अभी फिर अपन इंशाल्लाह पूरी सीरीज़ दिखाएंगे डी गोट फार्म की इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इस बार भी सिर्फ और सिर्फ अपने फार्म की बात करेंगे। दूसरे फार्म से क्या हो रहा है भाई, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। कौन कैसा कर रहा है उससे अपना मतलब नहीं है, अपन करेंगे सिर्फ अपने फार्म की बात। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने फार्म पे यही होता है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना भाई, अभी इस वीडियो में कौन सा बकरा दिखाएंगे आप हमें? हम लोग बताएंगे ये साल का मेरा सबसे बड़ा कोटा, ओके, और सबसे अच्छा तैयार हुआ, सबसे ह्यूज साइज का कोटा माशाल्लाह। का नाम भी हम लोग ने बहुत ह्यूज रखे, किंग कॉन्ग। जी, किंग कॉन्ग। क्या सोच के रखा था ये नाम? एक्चुअली हम लोग बड़ा बकरा था तो सोचे थे किंग, बट फिर अपने भाई लोगों के किंग नाम से बकरे आते हैं तो थोड़ा सा आगे कॉन्ग लगा दिए। सही है भाई, तो नाम चेंज भी हो गया। इसके हिसाब से बकरा माशाल्लाह किंग कॉन्ग दिखता है। अच्छी बात है। तो अभी बकरा जो ऑनर है वो भी अपने साथ में है जी, अपने साथ। इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात करते हैं सीधे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे। भाई मेरा नाम आमिर है और ये मेरे भाई हमजा भाई। हाँ, हमारा भी फार्म है एक्सोटिक गोट फार्म करके पड़गा में। ओके। और माशाल्लाह अपना भी बकरों का ही कारोबार है, पलाई भी करते हैं। जी जी। और कैसा है, दानिश भाई से पुराने ताल्लुकात है, तो भी बकरा लिया था, काफ़ी बड़ा था माशाल्लाह। तो कैसा सेल्फ फीडिंग पे इतने बड़े बकरे चलाएंगे तो इतने फास्ट चल नहीं पाते, इसलिए भाई पे दिया। हाँ, तो फिर दानिश भाई से कैसे पुराने ताल्लुकात थे। अब कैसा भोपाल में भी बहुत अच्छे बकरे तैयार हो पाते, लेकिन फिर कैसा अपना शौक नहीं हो पाता कि उतना लंबा 6-7 महीना बाद बकरा देखो। मुंबई में कहाँ से रहने वाले हो आप? मुंबई में हम घाटकोपर के रहने वाले हैं। तो यहाँ आना इजी पड़ता होगा? यहाँ आना इजी पड़ता है, मतलब ये अपना इसके आगे अपना फार्म है तो रास्ते में पड़ जाता है, तो महीने में 1-2 चक्कर हो जाती है। तो माशाल्लाह पूरी प्रोग्रेस देखिए बकरे की। सामने ही बकरा अपने बनाया, दानिश भाई ने काफी अच्छा बनाया है। जी जी। जैसे 5 महीना हो गया दानिश भाई। अभी सबसे पहले मैं पब्लिक को बकरा दिखा देता हूँ। यही है माशाल्लाह किंग कॉन्ग, बहुत बड़े साइज के अंदर है भाई। ये डिटेल बताएं, इसकी हाइट कितनी होगी? 41 हाइट दानिश भाई, 41 की हाइट है माशाल्लाह। मापी है हाइट? जी मापी है। और वजन इसका? वजन 130 किलो तोला हुआ है। 130 किलो अभी चेक किया है वेट। बहुत बढ़िया। दांतों में पूरा है? पूरा है माशाल्लाह। कितने टाइम से रखे हो दानिश भाई? भाई ये अपने पास तो करीबन इसको 6 महीना हुआ। नवंबर में आया था। अच्छा। हाँ, उसके पहले भाई ने लिए थे कहीं से, इनके पास रखे थे कुछ टाइम, फिर उसके बाद अपने पास ये भराई के हिसाब से आया। कितने किलो का आया था भराई पे अपने पास? अपने पास 92 किलो पे आया था। 92 kg पे आया था माशाल्लाह। 130 किलो पे आ गया। तो अभी मतलब एक 38 kg के आसपास वेट बकरी, मतलब हर महीने 5.5 किलो के एवरेज दिया माशाल्लाह भाई। तो अभी दानिश भाई इस बकरे से उम्मीद है और कुछ? क्योंकि अभी काफी लंबा टाइम बचा है बकरा। एक्चुअली जो 2 महीने का करीबन टाइम बचा है अपने पास। हम लोगों का इसका टारगेट 140 kg है। ओके। और इंशाल्लाह हम लोग वो टारगेट तक लेके जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो जल्दी इसलिए बना लिए शादाब भाई, लास्ट ईयर बारिश की वजह से वीडियो लेट हो गई थी, और जो बिकने वाले बड़े बकरे होते हैं उनकी वीडियो जल्दी आ जाए तो बकरा का सौदा। अभी क्या भाई, कोई बंदा इतना बड़ा बकरा लेता है तो वो कम से कम महीना भर अपना शौक करेगा जी, तो जल्दी बेचना मुनासिब रहता है ऐसे बकरे को जी। तो प्राइस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, कितने का है ये? शादाब भाई प्राइस एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि वीडियो पे रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है प्रॉब्लम होता है फिर बड़े बकरे। तो थोड़ा कुछ ऐसा आइडिया दो हमको कि कहाँ तक आएगा भाई? लाख के ऊपर का बकरा है? 2 के आसपास। 2 लाख के आसपास का बकरा। बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे मेरे हिसाब से। वो तो भाई ने खुद बोल दिए, शायद मैं बोला होता तो थोड़ा ज्यादा बोला होता। अभी 2 लाख के आसपास बोला तो उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 19-20 बस 19-20 हो जाएगा। चलिए ये अच्छा है कि एक आइडिया मिल गया, तो कम से कम वही लोग कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोग है ना, बड़ा बकरा है तो 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया ऐसा रेट बोलते हैं जी जी। और फिर वो बकरा लास्ट में आके जब तुम 2 लाख रुपए में बेच रहे हो, उससे बेहतर है जो रेट है कस्टमर को बता दो। जो जेन्युइन बायर होगा वो चीज का वैल्यू समझता है। सही बात है। इतनी बड़ी चीज कहीं और से भी मैं लूंगा तो इतने हाई पैसे में मिलेगा, तो जो पैसा हम लोग बोले है वो पैसा बहुत परफेक्ट है, ज्यादा उसमें फर्क नहीं आएगा इंशाल्लाह जो सौदा। तो ये बकरा भाई अभी इतने नॉर्मल मिजाज से ही खड़ा रहता है या थोड़ा मस्ती भी करता है? एग्रेसिव एक्चुअली अपन ने स्लो मोशन बनाने के लिए दिया उसको, खुदा दिए वो कुछ ज्यादा थक गया अभी। हां, मेरे पास हिस्सा लिए है और इंशाल्लाह 140 तुल जाएगा। तो जैसे लास्ट ईयर का रिकॉर्ड था अपना संजू का, कितना था 140 kg अपन ने अपने वीडियो में ही तोले थे उसको। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि ये भी संजू तक चले जाए इंशाल्लाह। आमिर भाई आप रिजल्ट से बिल्कुल मुतमईन है? रिजल्ट से काफी मुतमईन है। और कैसा है शादाब भाई, देखो भराई पे बकरे आप भी काफी शूट करते हैं बिल्कुल, लेकिन भराई पे जब बकरा जाता है तो बकरा आप देख रहे हो ऐसा झुकता है, एकदम सुस्त हो जाता है। अभी ये बकरे का आपने जैसे स्लो मोशन वगैरह दिखा बनाया है तो कैसा बकरा भाग रहा है, कैसा मार रहा है, एग्रेशन उसका मेंटेन रह गया, वो काफी ज्यादा जरूरी है। वो बड़ा बकरा है वो सुस्त खड़ा है तो फिर वो खस्सी लगने लगता है। सही बात है। कोटा तो नस्ल ही एग्रेशन के लिए जानी जाती है, तो किंग कॉन्ग एग्रेसिव है बकरा, उस चीज से मैं ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अभी जो नाम दिया आपने किंग कॉन्ग, उसके हिसाब से सर पे ताज भी पहना रखा है, सर पे ताज भी पहना रखा है शादाब भाई, माशाल्लाह। तो ठीक है दानिश भाई, अभी बकरा देख लिया, डिटेल भी बता दी और प्राइस का भी माशाल्लाह आपने एक आइडिया दे दिया ताकि लोगों को खरीदने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इंशाल्लाह जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो आप लोगों से जरूर कॉन्टेक्ट कर लेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।